नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं राजेश सिंह। इस समय दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई पे है। रूस ने यूक्रेन में अपने मिलिट्री एक्शन को तेज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ नाटो के कई देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। इस तनातनी के असर से जहां एक तरफ दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, उस वहीं क्रूड की कीमतें बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रही हैं। अगर ये संकट ऐसे ही जारी रहा तो इस पर पूरी दुनिया पर क्या असर होगा और भारत पर क्या असर होगा, इसको जानने के लिए पहले देखते हैं कि ये एक्चुअली रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का कारण क्या है, वो देखते हैं इस पैकेज में। दहला देने वाले बम धमाके, सायरन की आवाजें और धमाकों का धुआं, ये है यूरोप के देश यूक्रेन की तस्वीरें। ये है रूस और यूक्रेन के बीच जंगे ऐलान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर सेना चढ़ा दी है। अमेरिका, जापान, तुर्की, बुल्गारिया जैसे देशों ने रूस की इस हरकत की निंदा की है। जर्मनी ने तो रूस की अहम गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर रोक भी लगा दी है। वहीं सीरिया जैसे देश रूस के साथ खड़े हैं। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों के दो इलाके लोहेंस्क और दुनिएस्क को यूक्रेन की सेना से मुक्त कराना चाहते हैं और उन्हें रिपब्लिक का दर्जा देना चाहते हैं, जबकि अन्य देश इसे यूक्रेन के नेटो का हिस्सा बनने की इच्छा के विरोध में किया गया हमला मानते हैं। इस हमले की एक बड़ी वजह है नेटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन नेटो से जुड़ना चाहता है, लेकिन रूस इसके सख्त खिलाफ है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है। 30 देशों के सदस्यों वाला नेटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा सदस्य। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 12 देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य करार से 1949 में इस संस्थान की स्थापना हुई। नेटो का सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे पर अंकुश लगाना। इससे पहले भी यूक्रेन और रूस के बीच गोलियां और मिसाइलें चल चुकी हैं। साल 2014 में पुतिन ने सेना भेज क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर रूस में मिलाया था। क्राइमिया यूक्रेन का वो इलाका था जहां रूसी भाषा ज्यादा प्रचलित थी। रूस पर ये भी आरोप है कि उसने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सेपरेटिस्ट को तूल दिया, जिससे हालात और खराब हुए। साल 2015 में दोनों के बीच शांति समझौता हुआ और लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाया गया। तब से इस इलाके में लड़ाई जारी है और दोनों देशों ने एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। लेकिन रूसी सेना की ओर से अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भी धमाके होने लगे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर तकरीबन 100,000 रूसी सैनिक तैनात हैं। वहीं रूस ने बेलारूस और यूक्रेन के उत्तर में भी कुछ ट्रूप उतारे हैं। रूस के पास तकरीबन 3.25 लाख सैनिक हैं और उसकी कुल सैन्य क्षमता 9 लाख तक की है। वहीं उसके पास 2,840 बैटल टैंक हैं, यूक्रेन से 3 गुना ज्यादा। हालांकि यूक्रेन के पास परमानेंट सैनिकों के साथ ही वॉलंटरी टेरिटोरियल डिफेंस में भी 9 लाख सैनिक रिजर्व में हैं। यूक्रेन को साल 2014 से ही अमेरिका से डिफेंस में मदद मिलती रही है और तुर्की ने भी उन्हें सैनिक क्षमता में मदद की है, लेकिन यूक्रेन का अपना डिफेंस बजट काफी कम है। साल 2020 में यूक्रेन का कुल डिफेंस खर्च $4.25 अरब के करीब था, जो रूस के बजट का 1/10 हिस्सा ही है। साथ ही यूक्रेन का एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल डिफेंस कमजोर है, जिससे रूस उस पर हावी हो सकता है। दुनिया भर के बड़े देशों के विरोध के बाद भी पुतिन पीछे हट नहीं रहे और इस पूरे जियोपॉलिटिकल विवाद का असर ये हुआ है कि कच्चा तेल उबलकर रिकॉर्ड तोड़ रहा है और शेयर बाजार लहूलुहान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो चलिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो में खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश मोहन जोशी, जो कि डीन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, और रोबिंद सचदेव, जो कि विदेशी मामलों का जानकार हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले रोबिंद सचदेव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि रूस के इस हमले के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है कॉन्फ्लिक्ट का, या सिचुएशन जो रशिया के बीच जो बनी है, वो बदलेगी, और अगर बदलेगी तो किस तरह से बदलेगी? डेफिनेटली बदलेगी दुनिया के वर्ल्ड, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इस समय। देखिए,
रशिया ने जो अटैक किया इसका बेसिक रीजन ये है कि रशिया फील करता है कि नेटो और अमेरिका मुझे घेर के मेरी घेराबंदी कर रहे हैं। जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया था उसके बाद नेटो को क्या जरूरत थी कि फॉरवर्ड सोवियत रिपब्लिक्स को भी मिलिट्री अलायंस में ले, फिर पुरानी जो वॉर्सॉ पैक्ट की थी पोलैंड रोमेनिया वगैरह, जबकि जो थ्रेट थी सोवियत यूनियन वो तो चली गई थी। तो रशिया को ये लगा है, अब लंबे समय से लग रहा था, पर अब उसने यूक्रेन के केस में रेड लाइन बना ली है कि भाई अब यहां पर अगर कोई नेटो मेंबर बना और अमेरिकन मिसाइल्स या जो भी आए या लगे मेरी बाउंड्री पे, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। और इसकी इंडिकेशन पुतिन ने टाइम्स यहां तक दी है कि न्यूक्लियर वेपन्स तक, चाहे उन्होंने वो शब्द यूज नहीं करा है। तो अब ये एक नई दरार पड़ गई है यूरोप के अंदर और ये हमारी जनरेशन को डिफाइन करेगी यूरोप का शेप और यू नो द डिवाइड्स और द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। तो ये पूरा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है और इसमें ऑफ कोर्स दूसरे एलिमेंट्स भी फिर रहे हैं कि अगर रशिया इतना आइसोलेट हो गया तो ऑब्वियसली रशिया थोड़ा बहुत या ज्यादा चाइना की तरफ टिल्ट होगा, नेचुरल बनेगा उनका, तो उसका अलग इम्पैक्ट आएगा वर्ल्ड ऑर्डर पर। बट एज अ फर्स्ट स्टेप, और ये चलेगी अगले 30-40 साल, कभी ना कभी जाके आगे ये फ्रिक्शन एक रियल बड़ी वॉर में कन्वर्ट होगी। अभी वाली नहीं, अभी वाली तो सीमित है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और यूक्रेन शायद एक आध दिन में यू नो कोलैप्स करने वाला है। तो रशिया का ऑब्जेक्टिव है कि यूक्रेन की जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए और फिर बाकी नए कुछ लीडर्स आए यूक्रेन के अंदर, जबकि रशियन कंट्रोल के द्वारा, और वो लोग नेटो में ना जाने का प्रयास, मतलब ना जाने की कमिटमेंट दे। तो अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, ये नेटो तो आ नहीं रहा बिकॉज देव सेड कि हम अपने सोल्जर बूट्स तो ग्राउंड में डालेंगे नहीं, हम सारी मदद करेंगे, वेपन्स की मदद करेंगे। पर बात यह कि कल को अगर पूरा यूक्रेन के सारे एयरपोर्ट्स रशियन आर्मी के कंट्रोल में है तो अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन क्या मदद भेजेंगे, उनके प्लान्स कैसे लैंड कर पाएंगे यूक्रेन को मदद करने के लिए, जबकि यूक्रेन की ऑफिशियल आर्मी ही नहीं रहेगी, यूक्रेन के एयरपोर्ट्स पर ही लैंड नहीं कर पाएंगे। तो ये फिलहाल सिनेरियो दिखता है, बट ये एक कॉन्टिन्यूइंग इसके बाद भी सिनेरियो रहेगा, क्योंकि रशिया इसके बाद हो सकता है, और अमेरिका और नेटो को यह भी डर है, तभी वो सैंक्शंस लगा रहे हैं उन्हें, कि पुतिन की शायद कोई ग्रैंड ड्रीम्स हैं फॉर यू नो रिवाइविंग द सोवियत एम्पायर। तो सोवियत एम्पायर तो रिवाइव नहीं होगा, परंतु पुतिन डेफिनेटली अपना इन्फ्लुएंस का एरिया यूरोप में बढ़ाने जा रहे हैं। तो उसके चलते ऑब्वियसली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है और ये लंबे समय तक चलेगा। पर क्या आपको लगता है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, वो कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि आप एक तरफ देखिए चाइना जो है वो रशिया के करीब जा रहा है, तो और दूसरी तरफ अमेरिका की ये फितरत भी रही है, चाहे आप अफगानिस्तान में देखिए, ईरान में देखिए, हर जगह वो पहले अपना एक्शन लेता है बाद में पीछे हट जाता है। तो ऐसे हालत में क्या आपको लगता है कि रशिया चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर में एक नई ताकत बन के उभरेंगे? या देखिए ये तो निकलेंगे डेफिनेटली वर्ल्ड पावर्स, बट अगर आप आज की तारीख में देखिए तो अमेरिका तो शायद प्रयास कर रहा है कि वो दुनिया की सोलो सुपर पावर बनेगा। कैसे? चाइना को तो वो ऑलरेडी कह चुका है कि चाइना को कभी नंबर वन नहीं बनने देगा, टेक्नोलॉजी में हुआवे का बैन करा, टेक्नोलॉजी में कभी लीडरशिप नहीं लेने देगा, स्पेस में लीडरशिप नहीं लेने देगा, मिलिट्री नेवल मेजोरिटी ऑकस बनाया ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अमेरिका का एक पूरा का माइंड ये हो गया है चाइना को देखते हुए कि चाइना को मैं कभी नंबर वन नहीं बनने दूंगा, उसके चलते भी एक बड़ी वॉर की आशंका है। ठीक है, तो इस समय अमेरिका एक तो चाइना को डोमिनेट सोच रहा है, कर रहा है। दूसरा, अभी तक जो बात ज्यादा उभरी नहीं थी पर अगर आज की तारीख में देखी तो अमेरिका तो यूरोप को भी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है ना, तो यूरोप को भी डोमिनेट कर रहा है अमेरिका, चाइना को भी कर रहा है या प्रयास कर रहा है, तो सोलो सुपर पावर। बट यस, नहीं होगा सोलो सुपर पावर, क्योंकि ये यूक्रेन वाला जो गेम है इसमें रशिया ने अपनी रेड लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी है कि मैं किसी भी लिमिट तक चले जाऊंगा अगर आपने यूक्रेन को नेटो में लिया। और उसका अंजाम ये हो रहा है कि यूक्रेन अनफॉर्चुनेटली द कंट्री ऑफ यूक्रेन सबसे बड़ा सफरर इस पूरे उसमें यूक्रेन है। आगे जो गेम होगी देखा जाएगा,
बट एक चीज और देखिए, अमेरिका ने ट्रंप के जमाने में था कि यूरोप यू नो ट्रंप से दुखी था और ट्रंप ऐसे लेफ्ट राइट करते थे, इराटिक थे, तो फ्रांस जर्मनी ये वो कर रहे थे। बट जो बाइडन को इस समय, बाकी तो जो भी कंप्लेंट्स हैं उनके खिलाफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अमेरिका में, पर जो बाइडन को यू मे बी सरप्राइज आपके व्यूअर्स, और आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर एक बात यह कही जा रही है कि जो बाइडन ने तो नेटो को यूनाइट करके बड़ा अच्छा काम कर दिया। अभी बाकी बात छोड़िए कि जो यूक्रेन के मुद्दे को छोड़िए, बट जो बाइडन ने पूरे नेटो को इकट्ठा कर दिया, सही बात है कर तो दिया, पर बात यह कितनी टसल चलेगी। सो अमेरिका इन अ सेंस सोलो सुपर पावर बनने की भी सोच रहा है, बट ये दोनों भी तो निकलेंगे, चाइना तो निकलेगा, और चाइना विल डेफिनेटली ओवरटेक अमेरिका इन सम टाइम, अनलेस कि कुछ ऐसा हो जाए कि यू नो विच विल अगेन बी अ वॉर, जिस केस में ये एक राइज एग्जिस्टिंग एम्पायर है अमेरिका, चाइना राइजिंग एम्पायर है। हिस्ट्री में नॉर्मली होता है, एक सूरज डूबता है दूसरा उगता है, बट अमेरिका तो अभी ये कह रहा है कि मैं तो इस उगते वाले को कभी उगने नहीं दूंगा, मैं ही डोमिनेट रहूंगा चाइना के ऊपर, नंबर वन पावर रहूंगा दुनिया की। तो ये सिनेरियो है इस समय। राकेश मोहन जोशी जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो सैंक्शन इम्पोज किए जा रहे हैं रशिया पे, चाहे वो उनके बैंक को फ्रीज करना हो या इंडिविजुअल इंटिटीज को फ्रीज करना हो या कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट रशिया पे पड़ेगा या उसके उस सैंक्शन के चलते बाकी के देशों पे जो कि रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया जैसे कंट्री जो बिल्कुल न्यूट्रल बने हुए हैं? देखिए, सैंक्शन मोस्टली इकोनॉमिक सैंक्शन अमेरिका इनको लगा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि पूरे के अंदर द होल इशू इज मोर ऑफ द स्ट्रेटेजिक, और उसके अंदर कुछ इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं कि इफ रशिया का अपना कब्जा यूक्रेन पे हो जाता है या उसकी कोई पपेट गवर्नमेंट वहां पे होती है तो उसके अंदर क्या होगा कि सीधा ऑयल एंड गैस के ट्रांसपोर्टेशन की उनको सुविधा रहेगी। सैंक्शन का जहां तक सवाल है, सबसे बड़ा फर्क तो इंडिया के ऊपर ये पड़ने वाला है कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो थे रशिया के अंदर, वैसे तो हमारे एक्सपोर्ट ही रशिया के अंदर बहुत कम है ना, मतलब आप लेटेस्ट फिगर 2021 में $3.3 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया उनको, जबकि हमारा इम्पोर्ट $8.6 बिलियन का था, लगभग $12 बिलियन का हमारा टोटल ट्रेड रहा। अब जो जितना भी एक्सपोर्ट था उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम ही है, एक्सपोर्ट में हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, आयरन एंड स्टील थी, फार्मास्यूटिकल है, टी है, ऑटो पार्ट है, एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट करना ऑलरेडी बंद कर दिया है वहां पे बिकॉज दे आर वरीड अबाउट देयर पेमेंट। तो एक तो ये इशू हुआ। दूसरी बात ये हुई कि रशिया का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो जैसे व्हीट है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, कुछ और कमोडिटीज है या ऑयल है, ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रशिया जो है सऊदी अरब के बाद में दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है स्पेशली ऑयल का। रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, और इस 18% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीट एक्सपोर्ट इज कंट्रोल्ड बाय रशिया। तो सैंक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि इफ स्विफ्ट डज नॉट वर्क द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो किसी थर्ड बैंक या थर्ड कंट्री के बैंक की मदद लेनी पड़ेगी, उससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा, तो वो ट्रेड में डिसरप्शन निश्चित रूप से होगा। लेकिन आप देखिए जैसा भी इन्होंने बताया कि वर्ल्ड किसी भी वार जो होता है ना वो मतलब यू नो इट विल नेवर बी लाइक बाय द पीपल एट द एंड। इनिशियल वार में बड़ी रिटोरिक भी होती है और बड़ी नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स होती है। जैसे आप वर्ल्ड वार थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, 39 से 41 42 तक हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था, पूरे यूरोप पे, एंड नोबडी थॉट ऑफ कि हिटलर विल लूज द वार वन डे। और उसमें तो इतना हुआ, आपको पता होगा कि इवन ब्रिटेन का जो इंग्लैंड के किंग थे उन्होंने एबडिकेशन करके एंड इट वाज टोल्ड दैट ही बिकेम इवन यू नो पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट अल्टीमेटली ही लॉस्ट, एंड ही लॉस्ट टू द एक्सटेंट कि यू नो जर्मनी के दो टुकड़े हो गए और ये पूरा। सो अभी इसके अंदर पूरे इसमें ये है कि यू नो एंड अमेरिका सपोर्ट, नाउ सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अमेरिका सपोर्टेड द एलाइड पावर्स, और अमेरिका ने यूरोप में भी लड़ाई लड़ी और अमेरिका ने जापान और ये एशिया पैसिफिक में भी लड़ाई लड़ी, अल्टीमेटली दे हैव टू लूज। तो एक तो ये कि वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिजास्टर्स। इंडिया की प्रॉब्लम बहुत टिपिकल है, इंडिया की प्रॉब्लम, अच्छा
चाइना और रशिया का जहां तक सवाल है वो आज ही नहीं, वो बहुत पुराने जमाने से दोस्त हैं और उनकी दोस्ती बेसिकली गोज विद सोशलिस्टिक यू नो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी विद बोथ ऑफ देम। तो इसके अंदर अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में भी देखते हैं, वो चाहे वियतनाम है, फिलीपींस है, उसके आगे कंबोडिया है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना का हमेशा सपोर्ट रहा, रशिया का सपोर्ट रहा, इनको जबकि यूरोपियन पावर्स एंड अमेरिका का सपोर्ट नहीं रहा। इंडिया की सिचुएशन में ये है कि यू नो दो चीजें, एक तो हमारे आसपास के देश इकोनॉमिकली दे आर ऑल द फेल्ड इकोनॉमीज। आप देखिए म्यांमार में एक प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है, पाकिस्तान इज यू नो कंसिडर्ड टू बी ए नोन राइवलरी ऑफ इंडिया, और नॉर्थ बॉर्डर पे हमारे पास चाइना से भी बड़ी प्रॉब्लम है। रशिया विल सपोर्ट इन इवेंट ऑफ एन कॉन्फ्लिक्ट है विच इज अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्लिक्ट एंड एंगेजमेंट ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, रशिया इज बाउंड टू सपोर्ट चाइना। Russia is bound to support China and that could be disastrous for India. And therefore, I think मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया ने जो स्ट्रेटेजी एक न्यूट्रलिटी की बनाई है वो it looks you know perfectly fine now. लेकिन अब देखना ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा चलेगा। यूक्रेन का तो हो सकता है दो चार दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, बट द ओनली थिंग इज कि अगर ये रशिया की एम्बिशन तो नहीं बढ़ाता है, अगर एम्बिशन बढ़ती है इंपीरियलिस्टिक और किसी और दूसरे कंट्री को करते हैं तो ऑयल की प्राइसेस यू नो जैसे $100 पे चली गई, 104 चली गई कल, तो वो और ज्यादा मतलब अगर जा सकती है, और ऑयल की प्राइस अगर 100 से ऊपर के ऊपर, वैसे तो यू नो वी हैव द वर्ल्ड हैज सीन ऑयल प्राइसेस 130 140 यू नो डॉलर ए बैरल, बट अगर ये 100 से ज्यादा जाती है तो इट विल कॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इंडिया नंबर वन, और इन्फ्लेशनरी इंडिया बिकॉज यू नो वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल फॉर 85% ऑफ द रशिया जो है दुनिया की 10-12% क्रूड सप्लाई करती है। तो हम अपने एक हमारे सहयोगी हैं सौमित्र, उनका एक ये रिपोर्ट देखते हैं जो कि ये बता रहे हैं कि क्रूड के दाम अगर बढ़ेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट दुनिया पे और भारत पे पड़ेगा, तो देखते हैं ये रिपोर्ट। हाई क्रूड प्राइसेस एक चिंता की बात है ग्लोबली, और इसीलिए आज हम आपके सामने वो पॉसिबिलिटीज और सिनेरियोज ला रहे हैं जिसके वजह से आगे चलते क्रूड की प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यूएस ने ईरान पे से अपने सैंक्शंस हटा दिए तो इसके वजह से करीब 1.3 टू 1.5 MBPD, इसका मतलब होता है मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऐड हो सकती है मार्केट में। ये इमीडिएटली तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है इस पर, बट ये सैंक्शंस अगर हट जाते हैं तो 1.3 टू 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऐड हो सकती है मार्केट में। दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि अगर यूएस ने खुद अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया क्रूड का, तो अभी एक्सपर्ट्स के हिसाब से करंट प्रोडक्शन करीब 12.2 मिलियन बैरल्स का है और यूएस के पास कैपेसिटी है ये 1.8 मिलियन बैरल से और बढ़ाने का। और तीसरा पॉसिबिलिटी यह है कि अगर ओपेक ने खुद अपना प्रोडक्शन टारगेट इंक्रीज किया या अपना प्रोडक्शन टारगेट अगर मीट भी किया तो अगर क्रूड के प्राइसेस कम हो सकते हैं। अगर हम पिछले महीने की बात करें जो कि जनवरी 2022 है, इस महीने में भी ओपेक का जो प्रोडक्शन टारगेट था वो करीब 1 मिलियन बैरल से मिस हुआ था। तो अगर ये मिस अगर वो नहीं भी होता है और वो अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट भी करते हैं तो भी ज़्यादा क्रूड मार्केट में आ सकती है और जिसके कारण हमें थोड़ा क्रूड में करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है जिनके वजह से क्रूड में करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब $100 प्रति बैरल क्रूड जो रेट है ये इंडिया के लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि इसके वजह से इंडिया का जो इन्फ्लेशनरी ये चीज़ है वो बढ़ इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया करीब 85% ऑफ क्रूड इम्पोर्ट करता है। अब नोमुरा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 10% से अगर क्रूड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो जो इन्फ्लेशन है वो करीब 30 basis points से इंक्रीज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा क्रूड एक मेजर रॉ मटेरियल है और काफ़ी इंडस्ट्रीज में ये इनपुट कॉस्ट के हिसाब से यूज़ होता है, तो जो इनपुट कॉस्ट होता है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का वो बढ़ जाता है अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि एयरलाइंस, पेंट, टायर, सीमेंट, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सारी कंपनीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ जाती है तो। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्रूड करीब इंडिया का 85% ऑफ क्रूड रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होता है, तो इस कारण जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाता है। अब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर $1 प्रति बैरल क्रूड का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है वो करीब $2 बिलियन से बढ़ सकता है। और आखिर में अगर हम देखते हैं तो जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो भी डिटोरिएट होता है क्रूड प्राइसेस बढ़ने से। RBI के हिसाब से $10 प्रति बैरल के रेट से अगर क्रूड का भाव बढ़ जाता है तो जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो करीब $12.5 बिलियन से बढ़ जाता है इंडिया के लिए।
तो जैसा कि आप कह रहे थे मिस्टर जोशी, लगभग उसी लाइन पे हमारे रिपोर्ट में बता रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ये सैंक्शन थोड़ा और लंबा खिंचता है तो जो तीन संभावनाएं हमारे कलीग सौमित्र ने बताई उसमें से क्या हो सकता है? क्या ईरान पे सैंक्शन हटाया जा सकता है, या फिर क्रूड की खपत को बढ़ाने के लिए अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में डिप कर सकता है, या फिर कोई और ओपेक को प्रेशराइज किया जाएगा कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए? नहीं, तीनों ही संभावनाएं पॉसिबल हैं, तीनों ही संभावनाएं पॉसिबल हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में होता क्या है कि अगर क्रूड की प्राइसेस गिरती हैं तो उसके दो तरह के इंपैक्ट होते हैं। एक तो ये कि अगर क्रूड की प्राइसेस गिरती हैं तो जो कंट्री प्रोड्यूस करते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है, एंड फॉर मेनी कंट्रीज इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यू नो, जैसे 40-50 अगर डॉलर पर बैरल पे पहुंच जाती है जैसे पहले हुआ, तो बहुत सारे कंट्री प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं और फिर अपने आप ही बढ़ती है। अच्छा, अभी आपने देखा कि पोस्ट कोविड में जैसे जैसे रिकवरी हुई, तो वंस द रिकवरी टेक्स प्लेस, सो आफ्टर द रिकवरी यू नो ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी बढ़ी है, लोगों का आना जाना बढ़ा, सो वी आर स्टिल इन अ वेरी वेरी रिकवरी फेज। इकोनॉमी, द होल वर्ल्ड इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम अ नेगेटिव ग्रोथ टू अ पॉजिटिव ग्रोथ। तो हम जो जो कर रहे थे, मुझे लगता है कि अच्छा लड़ाई तो थोड़े दिन की भी जो है ना बहुत लंबा इंपैक्ट करने वाली है, सो आई एम वेरी श्योर दैट यू नो इट इज गोइंग टू इंपैक्ट एडवर्सली। अच्छा, जहां तक वर्ल्ड का सवाल है, ईरान इंडिया हैज गॉट वंडरफुल वेरी गुड टर्म्स विद ईरान। ईरान का तेल हमको सूट भी करता है, वो प्राइस कॉम्पिटिटिव भी है, बट प्रॉब्लम अगेन विद ईरान इज द सैंक्शंस। तो ईरान से हमने इंपोर्ट किया वर्ल्ड फॉर फूड प्रोग्राम के लिए, तो यू नो तो वो ट्रेड फॉर फूड में हमने उनसे किया, वी वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम ईरान, यू नो वी हैव गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद ईरान, बट उसमें वो इंटरनेशनल सैंक्शन की प्रॉब्लम आ गई और उसके कारण हमको थोड़ा सा ज्यादा पैसे में इंपोर्ट करना पड़ा। बट मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें हैं कि एक तो ये प्राइस अगर बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो अभी शॉर्ट टर्म में तो प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, अगर लड़ाई 5-7 दिन चलती है तो अभी शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, और आप जो बता रहे हैं उसका इंपैक्ट आएगा थोड़ा सा बाद में आएगा। अच्छा, द अदर थिंग इज ईरान के साथ यू नो अलाउिंग ईरान और यू नो रिड्यूसिंग सेंक्शंस विद ईरान इज अगेन ए वेरी स्ट्रेटेजिक इशू, वो हमारे मतलब डिस्कशन के बियॉन्ड है, क्योंकि उसको हमको बताना बहुत मुश्किल होगा। इकोनॉमिकली इट मेक सेंस कि हम ईरान के साथ इंपोर्ट करें, बट उसमें थोड़ा सा, बट इंडिया की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इन्होंने रिपोर्ट में भी बताया कि इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, उससे हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे फर्क पड़ेगा, और मोर देन दैट यू नो नाउ ईच वन ऑफ अस यू नो ट्रेवल बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर इन यू नो द ऑयल और डीजल इज रिक्वायर्ड, पेट्रोल और डीजल इज रिक्वायर्ड और गैस इज रिक्वायर्ड, इनकी प्राइस बढ़ने से मुझे लगता है कि आम आदमी की जेब पे फर्क पड़ेगा, आम लोगों की जेब पे फर्क पड़ेगा, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी होंगे, और जो आम आदमी की लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आएगी, और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट विच वी प्रोड्यूस इवन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, उस पर भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। वैसे एक्सपोर्ट के लिए यू नो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम ड्यूटी रिएम्बर्समेंट करते हैं, जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी रिएम्बर्समेंट होती है, बट ड्यूटी रिएम्बर्समेंट इज नॉट अवेलेबल नंबर वन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए जो है उसके लिए नहीं है, और ये चूंकि ऑयल पे हमारी टोटल डिपेंडेंस है, तो उसका एक और है कि अब हम जो यू नो शिफ्टिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होना, क्लाइमेट चेंज का उसमें एक और पहलू था, सो यू नो हाउ लॉन्ग टर्म में होगा ये इमीडिएट में नहीं होगा। हम इमीडिएटली में अगर बात करें, रविंद्र सर जी आपके पास आना चाहेंगे हम, आप इंडिया के स्टैंड को कैसे देखते हैं? इंडिया कल प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन से भी बात की, शायद बाइडन से भी उनकी बात होने वाली है या होगी, तो ऐसे में आप इंडिया का स्टैंड जो है वो कैसे देखते हैं? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चाइना हमेशा रशिया के क्लोज रहेगा, लेकिन इंडिया के भी अभी रिसेंट में कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, तो ऐसे में इंडिया का जो अभी स्टैंड है उसको आप कैसे देखना चाहते हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर में? नए वर्ल्ड ऑर्डर में तो हम इंडिया का स्टांस किस रूप में देखना चाहते हैं, दैट्स प्रॉब्ली अ सेकंड लिटिल थिंग, बट राइट नाउ यस, इन दिस ऑर्डर इंडिया इज इन ट्रबल। ऑनेस्टली इंडिया नहीं चाहता कि हमें रूस और अमेरिका के बीच में कुछ चॉइसेस करनी पड़े, और एक चॉइस आज आएगी फ्राइडे को दोपहर 3:30 बजे न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां मोशन मूव होगा कंडेमिंग रशिया। ऑफ कोर्स उसे रशिया तो वीटो कर देगा, बट इंडिया क्या करेगा? विल इंडिया एब्स्टेन या इंडिया विल गो इन फेवर ऑफ वन और द अदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट?
क्योंकि डाउन द लाइन ये होने जा रहा है, और सैंक्शंस की लिंक में भी इंडिया के साथ ही बताता हूं आपको। देखिए, अमेरिका इंडिया से कहेगा, भाई देखो तुम मेरे दुश्मन से क्यों डील कर रहे हो, बिकॉज रशिया इज द एनिमी फॉर अमेरिका, तुम उससे क्यों लार्ज टिकट डिफेंस आइटम्स खरीद रहे हो। ओके, नाउ कमिंग टू स्पेसिफिकली, वो डाउन द लाइन होगा, बट इस राइट नाउ अभी जो आप सैंक्शंस की बात कर रहे थे, जो पांच बैंक्स या तीन रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए यूके और यूएस ने, आप एक बिजनेस चैनल है, आप एक पीस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कीजिए, विच विल बी अ यूनिक थिंग ओनली फॉर यू, आई विल से इट्स अ ब्रेकिंग। ये जो S-400 खरीद रहे हैं अभी, ये भी तो किसी फैक्ट्री में बन रहा है, जो अलमाज है रशिया की, वो कंपनी होगी, उस कंपनी का किसी बैंक में अकाउंट तो होगा। अगर वो बैंक इज दैट बैंक ओवरऑल ऑल्सो अंडर दीज सैंक्शन जो यूएस और यूके ने लगाई है, अगर वो, और वो सैंक्शन किस तरह की है, वी जस्ट नीड टू फाइंड ट्यून एंड फिगर दैट आउट। अगर वो बैंक सैंक्शन में है, तो S-400 जो हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं अभी, जिसकी हमें बाकी शिपमेंट्स भी आनी है, हम उसकी पेमेंट कैसे करेंगे? That will be one big challenge and question. I would earnestly request you to research into this. But secondly, subsequent badi defense deals hum Russia se shayad nahi kar payenge, aur American pressure hamare upar bahut jyada hoga. So this would be some aspects of the sanctions on India. In a very narrow sense, I'm saying specifically, aap dekhega. Aur bhi issues aayenge sanctions ko leke Bharat ko. बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले दिन में इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी मुश्किल होगा लेना इंडिया को, कि वो यूएस के साथ जाता है, नाटो के साथ जाता है या रशिया के साथ जाता है, ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। आज की चर्चा का समय अब ख़त्म होता है, आगे अगले हफ्ते स्पॉटलाइट में एक नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद।